यहाँ के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि यहाँ पढ़े लिखे अच्छे नहीं हैं। हम कहते हैं कि चंद्रयान पर जब बिहार के बच्चे जाके नाम कमा सकते हैं तो हमारे बच्चे में मेरिट की कमी नहीं है। इसलिए यहाँ का जो शिक्षा मंत्री हैं उनको अपने ज्ञानवर्धन का प्रयास करना चाहिए और हमारे बच्चे बाहर जा कर के बहुत अच्छा करते हैं तो फिर बिहार में उनको मौका देंगे तो क्यों नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, में हूँ आपके साथ बंटी कुमार। देखिए, मधेपुरा में लगातार बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी निरीक्षण कर रहे हैं, जो आवासीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। इसी दौरान आज उन्होंने साफ साफ जो डोमिसाइल नीति को लेकर के साफ साफ कह दिया कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को बुद्धि नहीं है, नॉलेज नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने यह कहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर के जब पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शिक्षा मंत्री को नॉलेज नहीं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक नहीं है और बिहार के बच्चे टैलेंट नहीं है। उन्होंने जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चे में अगर टैलेंट नहीं है तो फिर चंद्रयान पे जो बच्चे गए हैं वो भी बिहार के ही हैं, तो इससे बड़ा गर्व की बात कहाँ हो सकती है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को सुनिए। 15 में हम ही लाए थे, हम ही चाहते थे कि शनाब्दी सोल धरती पुत्र को तरजीह मिलना चाहिए और यहाँ के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि यहाँ पढ़े लिखे अच्छे नहीं हैं। हम कहते हैं कि चंद्रयान पर जब बिहार के बच्चे जाके नाम कमा सकते हैं तो हमारे बच्चे में मेरिट की कमी नहीं है। इसलिए यहाँ का जो शिक्षा मंत्री हैं उनको अपने ज्ञानवर्धन का प्रयास करना चाहिए और हमारे बच्चे बाहर जाकर के बहुत अच्छा करते हैं तो फिर बिहार में उनको मौका देंगे तो क्यों नहीं देंगे। और दूसरा राज यही करता है कि बिहार के बच्चों को कम तरजीह देता है, इसलिए हम भी जब यानी बच्चों का यूथ का बिहार का हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के रूप में रह रहे हैं यहाँ, तो हमारे बच्चों को निश्चित रूप में ऑब्जर्व करना चाहिए, हर नौकरियों में प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसलिए जब नियोजित शिक्षक को परमानेंट करने की बात है, सरकारीकरण की बात है, तो हमारे बिहार के बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये हमारा विश्वास। 2024 के लिए अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके प्रबंधक नहीं हैं, मॉनिटर नहीं हैं। वो चाहे महागठबंधन का हो या एनडीए का हो, सबका अलग अलग व्यवस्था है। उस ग्रुप में जो रहते हैं, मैनेजमेंट में जो रहते हैं, वही कर सकते हैं और हम उस मैनेजमेंट में नहीं हैं। हम एक कैंडिडेट हो सकते हैं, हम सीट के याचक हो सकते हैं, लेकिन किसको सीट दिया जाए, कितना दिया जाए, कहाँ से दिया जाए, वो जो डिसाइडिव कमिटी है उससे हम बाहर हैं, इसलिए इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने सुना किस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव पर जमकर हमला बोले हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो है अगर जो है बिहार के बच्चे में नॉलेज नहीं तो फिर चंद्रयान पे जो बिहार का ही बच्चा गए हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए बड़े ही गर्व की बात है, साफ साफ उन्होंने कह दिया। तो किस तरह से उन्होंने जो मधेपुरा में लगातार जो आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि लगातार जायजा ले रहे हैं, एसटी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कमियां हैं वो दिखा रहे हैं। तो बहरहाल कहीं मत जाएगी, देखते रहे। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ बंटी कुमार, लाइव सिटी मधेपुरा।